फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कनेक्टर जो मैंने लगाया है इसे, इसमें यहाँ पर एक पिन है वो लूज़ रह गई थी। आपको जब आप वीडियो देखें आपको दिखाई भी दे जाएगी, यहाँ पर एक पिन है वो लूज़ रह गई थी, सोल्ड नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मैंने उसको दोबारा से सोल्ड किया है और देख सकते हैं आप, ये वही कनेक्टर है। देखिए इस तरफ से आप देख पाएंगे, इस तरफ से दिखाता हूँ आपको, आप देख पाएंगे यहाँ पर साफ साफ कि ये वही कनेक्टर है जो हमने इसमें लगाया है। देखिए इस तरफ से जो पिन है वो रह गई थी, जो आपको वीडियो में भी दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है, ये भी आप साफ साफ देख पाएंगे, ये वही है जो हमने अभी लगाया था। और इस तरफ से जो है पिन है वो रह गई थी, सोल्ड नहीं हुई थी, तो मैंने इसे दोबारा सोल्ड किया। और देखिए अभी आपको मैं दोबारा से चेक करके दिखाता हूँ, हमारी जो प्रॉब्लम थी इस फोन में, इसमें ना LCD नहीं आ रही थी, पानी जाने की वजह से जो डिस्प्ले है उसका कनेक्टर ख़राब हो गया था। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी जो अब जो है मैंने इसकी सोल्व करी है। इसको देखिए ऑन करके देखते हैं, इसकी बैटरी भी थोड़ी सी लो थी, वो मैंने चार्ज की इसकी दोबारा से, देखते हैं कि क्या हुआ है। तो अभी कुछ आया नहीं है, चार्ज लगा के आपको दिखाते हैं। मैंने प्रॉब्लम डिस्प्ले से रिलेटेड थी, तो मैं अभी चार्जिंग वाले देखते हैं कि डिस्प्ले आती है कि नहीं आती है। तो देखिए देख सकते हैं डिस्प्ले तो इसके अंदर आ गई है, जो मैंने इसका ये जो कनेक्टर है लगाया यहाँ पर डिस्प्ले का, वो हमारा वर्क कर रहा है, डिस्प्ले जो है आ गई है। देखिए टेम्परेचर वाला साइन है, ये भी इसका ठीक हो जाएगा, इसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिस्प्ले तो नहीं आ रही थी इसके अंदर, प्रॉब्लम बहुत ही मेन जो इसके अंदर ठीक हो गई है। बैटरी लो है इसलिए अभी ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है शायद, लेकिन डिस्प्ले की प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई है। तो इसका कनेक्टर मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से मैंने चेंज किया है, आप चाहें तो सैमसंग के A सीरीज़ के किसी भी फ़ोन में इसी प्रकार से इसका चार्जिंग कनेक्टर है चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। और फ्रेंड्स से जो मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो में कुछ भी आपको बताया नहीं, क्योंकि मेरे पास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मुझे वॉइस है वो उसका जो वॉल्यूम है बंद करना पड़ा। लेकिन अभी ये बाद में मैंने जैसे इसे सोल्ड किया दोबारा से, मैंने आपको बताया हमने चेंज कर दिया है इसका, और डिस्प्ले है वो भी हमारी इसकी आ गई है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, इसी प्रकार से आप सैमसंग A सीरीज़ के कनेक्टर बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।